इन सभा में उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। मित्रों, अभी बताया जा रहा था आपको विश्वास की ताकत है। अभी जो आप सुन रहे थे अंगद गए और पैर लगा दिए, ये क्या था? अपने इष्ट के प्रति विश्वास। आज क्या हो रहा है, थोड़ा देर साईं बाबा के मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ दो गो काम हुआ, एगो काम नहीं हुआ, विश्वास टूटा। अब आज से चेंज, जैसे फैकल्टी आप लोग चेंज करते हैं, साईं बाबा छोड़ो, सावन है, भोला बाबा को पकड़ो, भोला बाबा के यहाँ पकड़े। आज लोग विश्वास से अध्यात्म को नहीं, अध्यात्म से नहीं जुड़ रहा है, सौदेबाजी से जुड़ रहा है। माफ करिएगा मेरे मित्र, अध्यात्म सौदा का नाम नहीं है। जब सौदाबाजी करना है तो बिजनेसमैन बन जाइए, माल खरीद के लाइएगा, बेचिएगा, मुनाफा होगा। ये नफा मुनाफा परमात्मा और भक्त के बीच कहाँ से आता है, ईश्वर और भक्त के बीच कहाँ से आता है, ध्यान साधना के बीच में ये सौदेबाजी कहाँ से आती है? मेरे मित्र, उस अंगद के अंदर वो विश्वास की ताकत थी कि मैं अगर पैर टिका दूंगा तो मेरे इष्ट, जिनकी रात दिन मैं सेवा करता हूँ, आराधना करता हूँ, वो जाने, मुझे नहीं मालूम क्या होगा नहीं होगा। ये हमारे आपके अंदर क्यों नहीं आ रहा है कि हम जिस विश्वास के साथ गायत्री की साधना करते हैं, वो गायत्री दुनिया की हर बुराइयों से हमें बचाएगी और हर सही राह पर ले जाएगी, क्यों नहीं आता? क्योंकि हम स्वयं पेंडुलम हैं। पेंडुलम देखे हैं, देखिए वहाँ, उसी के लिए वो लगाया गया है, दिखाने के लिए समय समय पर। हम लोग के लिए पीछे घड़ी लगा हुआ है, वहाँ से दिखता है समय, वो आप लोग के लिए लगाया गया है कि समय समय से देखते रहिए। पेंडुलम है, हम थोड़े देर के लिए मैथ पढ़ने बैठते हैं, आधे घंटे में मेरा मैथ पर से विश्वास हट जाता है, अब नहीं बनेगा। फिर अंग्रेजी लेके बैठते हैं, विश्वास हटता है। सब्जेक्ट से लेके परमात्मा, दुनिया के हर जगह पर आजकल नौजवानों का सबसे ज्यादा विश्वास टूटता है। और इसका कारण क्या है, इसका क्या कारण है, आप कभी ढूंढते हो मेरा विश्वास टिकता क्यों नहीं है? कई भाई हमारे कहते हैं, भैया ध्यान करने बैठते हैं मन भागता है, भटकता है, कभी घर चला जाता है, कभी पार्क में चला जाता है, कभी सिनेमा हॉल में चला जाता है। जाएगा ही जाएगा, आप रोक नहीं पाइएगा। उन्हीं भाई से पूछिए, क्या अभी सेमीफाइनल देख रहे थे, आपका दिमाग कहीं भटक रहा था ना भैया? एकदम कॉन्सेंट्रेट था कि भारत के जीता के छोड़ेंगे, दुर्भाग्य बस हार गया। क्यों? आप उसमें मजा ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, आप कॉन्सेंट्रेट थे। आप में से कई लोग को सिनेमा हॉल में भेज दीजिए, 3 घंटा वो बाथरूम ही नहीं जाते हैं, रियलिटी है। आप उनसे पूछिए मन भागा, भैया पूछ लीजिए, शुरू से लेके अंत तक हलंत नहीं छोड़ेंगे, सब कहानी बता देंगे। भाई महापुरुष हैं आप लोग, न सिनेमा में मन भागा, न क्रिकेट में मन भागा, न व्हाट्सएप चलाते समय मैसेज आ रहा है उस समय मन भागा, न फेसबुक की दुनिया में वीडियो देखते हैं उस समय मन भागा, तो आखिर ध्यान करते समय क्यों भागता है? पढ़े लिखे आप लोग हैं भाई, क्यों भागता है? इसलिए भागता है कि जहां आपका मन लगता है वहां नहीं भागता है, जहां नहीं लगता वहां भागता है। आप कभी ध्यान करने बैठिए और इस भाव से बैठिए कि दुनिया के 20 मिनट आधे घंटे हमको दुनिया की किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस मालिक के सामने इस भाव से बैठिए कि है मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आपका भाव चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, हे मालिक अब इसके अलावा कुछ नहीं। पहले बैठ के बहुत सारे हमारे भाई हैं कहते हैं भटकता है, भागता है, आंखें खोल लीजिए। गुरुदेव की देव स्थापना वाली तस्वीर हम निवेदन करेंगे कि सारे भाइयों के रूम में होनी चाहिए। आंख खोल के 1 से 2 मिनट पूरी भाव से पूरी तस्वीर, जिसमें गुरुदेव हाथ उठाए हुए है, भाव से पहले देखिए उस बीच में बैठे हुए माँ गायत्री के चरण को,
उस चरण का ध्यान करते हुए गुरुदेव के हाथों के पास जाइए जो आशीर्वाद मुद्रा में है। ऐसा भाव करिए कि उस हाथ के बीच से प्रकाश निकल रहा है, उस आशीर्वाद मुद्रा में वहां से प्रकाश बाहर आ रहा है, और आंखें खोल के ऐसा भाव करिए कि वो प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ रहा है। धीरे 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 उसी भाव को देखते हुए एकदम मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आप ध्यान करने बैठते हो, तनाव में बैठते हो, मुझे ध्यान करना है कि IITian बन जाए, मुझे ध्यान करना है मेरा मुनाफा हो जाए, मुझे ध्यान करना है मेरी रुकी हुई काम। कभी आपका ध्यान न लगेगा न काम सिद्ध होगा। ध्यान सौदेबाजी का चीज नहीं है। ध्यान मनुष्य के अंतरात्मा को निकालने, अपने अंदर के कचरा को निकालने की चीज है। आप अगर गंगा में जल भरने जाते हो, लोटा ऑलरेडी भरा है, तब डुबा के फिर निकालते हो, कितना पानी उसमें भरता है, भर पाता है? आप इतना कचरा लेके ध्यान करने बैठते हो जिसमें आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, गर्लफ्रेंड नंबर नहीं दे रही है, बात नहीं हो रहा है, बाबूजी चाचा से लड़ गए, मम्मी चाची से लड़ गई, और आप बैठे हैं ध्यान करने। ये भरी हुई चीजों में कभी कोई नहीं भर सकता है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि भरी हुई चीजों को भर दे। अगर भरने की इच्छा है तो खाली करके देखो, अवश्य भरोगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। एक बार खाली करो अपने आप को। हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में खाली करने नहीं आता है। ये उम्र में आप बूढ़ा हो गए हैं, आप विद्यार्थी रह गए, आप लोग बचपन है, बचपन के बाद जवानी जिए ही नहीं। बीच वाला फेज आपका पता नहीं कौन काट ले गया, एक बार बचपना से बुढ़ापा में आ गए, बीच का जवानी थोड़ा जी लेते। अब कहिएगा जवानी के मतलब, जवानी का मतलब कि आप अपने जीवन को सही राह पर लाने के लिए अच्छे कार्य करते, आपके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर है, जोश है, इसको होश दे के काम करते। आपका तो 7 दिन की पढ़ाई के रूटीन में 17 बार आपकी मेंटेलिटी चेंज होती है। ये बूढ़े लोग के मन में आता है, जवानों के मन में ऐसा नहीं होता है। बूढ़े लोग बेचारे सोचते हैं कि आज ही काम कर लेंगे, शरीर साथ ही नहीं देता है। सोचते तो बहुत है क्योंकि एक्सपीरियंस है उनके पास, और उस एक्सपीरियंस के कारण सोचते हैं हम अच्छा करके आएंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। थोड़ा करके फिर उस काम को छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं थोड़ा सा शरीर और साथ देगा तो अगला काम करेंगे। लेकिन आपके पास तो फुल ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा है, आपके जीवन में जोश है। सकारात्मक चीजों को अगर आपने डाल दिया, यंग मैन गैंग मैन है, NTPC या दुनिया जहान जिसके लिए परेशान है, आप नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बन सकते हैं। इतनी ताकत आपके अंदर है। गुरुदेव ने इस बिहार के बारे में कहा है, बेटा बिहार सोया हुआ शेर है। हम लोग भले गीदर बन के बैठे हैं, गुरुदेव की भविष्यवाणी है, आज की नहीं, कई वर्षों पहले की। बेटा बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगह पूरे देश की दशा और दिशा बदल कर रख देगा। इतनी ताकत इस बिहार में है। अभी क्या है, देश की तो दशा दूर की चीज है, हम अपने नहीं बदल पाते हैं। रोज यहां संकल्प लेते हैं, मन लगा के पढ़ेंगे, आ 7वां दिन आते आते हमारे संकल्प में पता नहीं कौन सुइया मार देता है। जैसे बैलून पूरा हवा से भरा है, एक छोटी सी सुई मार दो, बैलून का कहानी खत्म है। वैसे ही हम पूरी एनर्जी के साथ जाते हैं, 4 दिन के बाद हमारी एनर्जी न जाने कहां चली जाती है, किस राह पर चली जाती है पता नहीं चलता है। मेरे मित्र, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप भाव से ध्यान करो। यहां भैया भी बताते हैं, पहले 11-12 लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को हल्का कर लो, अपने आप को खाली करो, और खाली करने के बाद ध्यान करो। कई लोगों के मन में आता है, यह ध्यान हमारे जीवन में क्या देगा? यह ध्यान आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान देगा। आप कहिएगा कि अभी आप कहे थे कि ध्यान करने से नौकरी नहीं होता, नहीं, ध्यान करने से ना नौकरी मिलता है ना आपकी काम डायरेक्ट सफल होती है। ध्यान जब करिएगा, आपका सेल्फ इंस्टीट्यूशन, स्व विवेक जिसको कहते हैं, जागृत होता है। अभी क्या है, जब मन किया सो गए, जब मन किया जगे। 90 दिन लगातार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अगर 20 से 30 मिनट का ध्यान करते हैं, आपके जीवन से सबसे पहला कार्य आलस्य समाप्त होता है।
दूसरा कार्य समय का सदुपयोग आता है, तीसरा कार्य जो उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य है, वो ब्रह्मचर्य की शक्ति आपके जीवन में आती है। पहला, अगर आप समय से जगने लगिएगा, सुबह में 5 से 6 बजे एक विद्यार्थी जगता है, दूसरा 10 बजे जगता है, इसी 24 घंटा में 10 बजे जगने वाले विद्यार्थी का 4 घंटा कम हो गया, क्योंकि जो 6 बजे जगेगा 7 बजे तक तैयार होके उसके उठने के पहले 3 घंटा स्टडी कर चुका रहेगा। फर्क इतना ही है, आलस समाप्त होती है जिससे काम करने में मन होता है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से गायत्री की साधना करने का सबसे पहला परिणाम, अभी आपके मन में लगता है हमसे ये पालन होगा, लाइव चल रहा है इसलिए इशारों में बता रहे हैं, 4 दिन पालन करते हैं, 5वां दिन अपने खंडित कर लेते हैं, अपने आप समाप्त तो हो जाता है, फिर आते हैं नहीं, अब जाते हैं जोश में युवा मंडल में जाएंगे और फिर से संकल्प लेके आएंगे, फिर आते हैं यहाँ संकल्प लेते हैं, फिर 4 दिन रहता है, 5वां दिन समाप्त हो जाता है, खंडित होता है, अनैतिक तरीके से अपने शरीर का सबसे ताकतवर जो जीवनी शक्ति है उसको नले में बहा देते हैं। आप जब नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करते हैं, आप मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि आप कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, हमसे ये होगा नहीं होगा, हम तो गायत्री की साधना करते हैं और गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति ये सब गलत पलत सलत कर ही नहीं सकता है। आपका स्वविवेक, हम लाख आपको रोकने का प्रयास करें कि आप बुरे रास्ते पर मत चलिए, आप तब तक नहीं रुक सकते हैं जब तक कि स्वयं प्रयास करना शुरू नहीं करिए। और जिस दिन मनुष्य की साधना सही दिशा में होने लगती है, वो बुरे रास्ते पर जाने से अपने आप रुकता चला जाता है मेरे मित्र। और जिस दिन आपकी बुराई पर आपकी अंतरात्मा धिक्कारना शुरू कर देगा, समझ लेना उस दिन अच्छाई के तरफ आपके कदम बढ़ने लगे हैं। आप में से कई भाई ऐसे हैं जो संडे को युवा मंडल में 2 संडे आए, 3 संडे आए, तीसरे संडे के बाद उनको मन में आया बड़ी धूप रहता है, क्या करने आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन आप उन भाइयों से पूछिए, रूम पर बैठे थे, उनके अंदर बेचैनी क्यों हो रहा था, वो बेचैन हो रहे थे, नहीं हमको जाना चाहिए। अब मन में द्वंद्व लड़ाई चल रहा है, एक जो अंदर अंतरात्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जो सद्बुद्धि के राह पर चलाता है, दोनों मन हमारे ही अंदर है, वो कहता है चलना चाहिए, अच्छा काम है, वहां बैठेंगे थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे, अपनी पढ़ाई फिर 1 सप्ताह मन से करेंगे। दूसरा जो शैतान मन है, वो कहता है भाई बड़ी गर्मी है, इस गर्मी में कहाँ जाओगे। अरे मेरे मित्र, आप भूल जाते हो कि इसी गर्मी में हमारे माँ बाप घरों पर काम करके मेहनत करके और पैसा बेचते हैं, जिसके कारण हम पटना में पढ़ाई कर पाते हैं। आप भूल जाते हो कि जिस गर्मी से आपकी जवानी में डर लगता है, उसी गर्मी में बूढ़े बाप आपके मेहनत करके आपके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं और 2 वक्त का पैसा देके आपको पटना में पढ़ा रहे हैं। फिर अंतर द्वंद में अच्छे वाले मन, शैतान मन, दोनों के लड़ाई के चक्कर में बेचारा नहीं आया। दोपहर में छटपटाता रहा, नहीं गए, शाम में आके देखिएगा वो लड़का सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठा रहता है, उसको लगता है ना गलत किया है। शाम में 5 बजे जब सभा शुरू होनी है, उसका अंदर का जो परमात्मा द्वारा दिया गया खूबसूरत आत्मा है, बेचैन करके 4:45 में लाके बैठा देता है। मेरे मित्र, यह क्या है, नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना से आपके अंदर के कुविचार नष्ट होते हैं और अच्छे विचार आगे आते हैं। इसके अलावा अपने यहां PDC जो भाई करते हैं, बहुत सारे भाई इसमें बैठे होंगे जो PDC कर लिए हैं, जब PDC आप करते हैं 5 दिन, कई भाइयों के मन में यह आता है कि हम 5 दिन कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। 5 दिन इस यहां बुलाया जाता है, सुबह 7 से 8:30, शाम में 5 से 6, 2 टाइम रेगुलर आपको आना पड़ता है। कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। कई भाई हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं, भैया ये 5 दिन वहां जाते हैं, बैठते हैं, लेक्चर तो अच्छा लगता है, और क्या भाव करें जिससे हमारा PDC बेहतर हो। मेरे मित्र, जैसे माँ अपने बच्चे के गोद में बैठ के प्यार से सहकार से अपने जीवन को मस्त बना लेता है, 5 दिन PDC के क्लास में नियमितता पूर्वक
अगर आप इस भाव से आके बैठते हैं यहां कि मैं पटना गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग के छत पर नहीं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के गोद में बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी सारी बुराइयां समाप्त होती जाती है। ये भाव करना पड़ता है। और मनुष्य का भाव अगर मजबूत होता है तो उदाहरण है, आपके हमारे सामने एक बेचारा गया अपने गुरु के पास कि मुझे IIT का एग्जाम देना है। उस समय की बात है, गुरु जी कहे तुम्हारे पास क्षमता नहीं है IITian बनने का। क्यों? क्योंकि तुम भील परिवार से हो। गुरुदेव इग्नोर कर दिए। उनके गुरु जी कहे कि जाओ तुम IITian नहीं बन सकते हो। कहा बनेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम आपको गुरु मान चुके हैं। हम आप होते घरे फोन करते हमारा एडमिशन बड़ा कोचिंग में नहीं हुआ, हम IITian नहीं बन सकते हैं। वो विश्वास की ताकत जगाता है युवा और जाके मिट्टी की मूर्ति बनाता है और मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपना IIT का प्रयास शुरू करता है। उस समय का यही था IIT सबसे बड़ा धनुधारी बनना। अब शुरू करता है अपना सिलेबस, एक एक दिन अपने चैप्टर पर काम करते करते पूरी विश्वास की ताकत से काम करता है और दुनिया का सबसे बड़ा धनुधारी एकलव्य बन जाता है। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? गुरु देखते हैं कि अरे हमने तो अर्जुन को बुला के बोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पढ़ाया, ये तो बेचारा मूर्ति के सामने पढ़ा, आखिर क्या कारण है? बुलाते हैं उससे, कहते हैं देखो तुम तो बहुत बड़े धनुधारी निकले, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा जाता है? अंगूठा मांगा जाता है। जैसे ही मांगा जाता है मुस्कुरा के अंगूठा काट के दे देते हैं। मेरे मित्र, दुनिया में अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं लिया गया होता तो आज अर्जुन से भी बड़ा धनुधारी होता। ये विश्वास की ताकत है। यही विश्वास हमारे आपके अंदर क्यों नहीं आता है? इसलिए ये विश्वास की ताकत नहीं आती है कि हमारी आपकी स्थिति वही है जिसकी कहानी 2-3 संडे पहले मनीष भैया आपको सुनाए थे। लोग के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। लोग कह दिया अरे भैया किस चीज का तैयारी करते हैं? आप कहें बैंक का। देखिए वो तीसरा नंबर लॉज के चौथा नंबर ताला पर दूसरा नंबर रूम में वो भैया बैंक के तैयारी करते हैं। 8 साल में हो गया, PT तो अभी नहीं है निकला है। अब आप प्रभावित हो गए कि बाप रे उनका अभी 8 साल में नहीं हुआ, हमारा तो 3 साल हुआ है। ये क्या है? निगेटिव चीजों से आज के युवा सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। उसको कितना भी पॉजिटिव पार्ट पढ़ाइए, थोड़ी देरों के लिए उसके मन में आता है, फिर वो पॉजिटिवनेस समाप्त हो जाता है। कारण टिक नहीं पाता है, इसके अंदर विश्वास की शक्ति जग नहीं पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके अंदर ध्यान करने की क्षमता विकसित नहीं हो रही है, इसके अंदर साधनात्मक गुण विकसित नहीं हो रहे। दूसरा, साधना के साथ स्वाध्याय जब आपके जीवन में आता है तो आपके विचार में गहराई आती है। कई भाई हमारे पुराने हैं, युवा मंडल से जुड़े हैं, पुराने होने के बावजूद जो उनके अंदर गहराई होनी चाहिए वो गहराई समाप्त है। कारण 20 मिनट 15 मिनट 30 मिनट ध्यान कर ले रहे हैं, हो गया, बस एक कोटा पूरा कर रहे हैं। मेरे मित्र, चढ़ाई हुई ब्लड उतना ही देर काम करेगा जितना देर उसकी रेसिस्टिविटी पावर है। जब तक बॉडी ब्लड बनाना शुरू नहीं करेगा तब तक चढ़ाए गए ब्लड से किसी भी व्यक्ति को आप जिंदा नहीं रख सकते हैं। और स्वाध्याय क्या होता है? आपके अंदर स्वयं अच्छे गुण विकसित करते हैं। इसलिए भाइयों से निवेदन है कि साधना के साथ आप स्वाध्याय जरूर करें, नियमितता पूर्वक करें। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया जो लगातार